हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज जा रहा हूँ मार्केट टाउन पे मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। बिजली उजली कुछ है नहीं, तो यार अभी तो पानी है घर, मेरे घर के मतलब बाहर ही है। अभी रोड पे जाऊँगा तो शायद और भी ज़्यादा पानी होगा। चलो चलते हैं, मोबाइल वोबाइल चार्ज के लेके आते हैं, क्योंकि मोबाइल चार्ज ना होने के कारण मुझे बहुत सारे दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है। और वे गेट खोल नहीं रहा है, देखो कितना पानी है रोड पे। ठीक है, आज तो पानी और भी भर गया। अरे किधर जा रहे हो? अरे नाव पे लेके जाएगा क्या? हाँ तो हाँ पर्सनल, चलो पैदल ही चलते जाते वक्त कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किधर जा रहे हो? खोली मेरी, हाँ ये पकड़ो तो थोड़ा, भेजने मत देना, मोबाइल कुछ है इसके अंदर। चलो यार देखो कितना पानी के अंदर चल रहा है, इतना मुश्किल है। एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब मुझे तो भाई कुछ रिलीफ का जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ के अंदर कुछ गरीब लोगों को, क्या देखो जो दिन कमा के दिन खाते हैं उनके पास तो पैसा वैसे फिलहाल है नहीं, तो वो लोग अभी क्या खाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ना यहाँ पर कोई भी मतलब रिलीफ का मतलब बंदोबस्त नहीं किया गया है, और मैं देखा भी नहीं मतलब कोई बंदा आके इधर रिलीफ दे रहा है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे पर्सनली कुछ लोग दे रहे हैं वो तो अलग बात है। ये देखो कितना पानी है पूरा, मतलब वो पेट टूट गया क्या उधर वाला, या काट दिया? अरे वो रोड में जो पड़ा हुआ है वो काट दे या टूट गया? टूट गया, मतलब नीचे से मिट्टी हल्का हो गया ना। जाते में जाने में उतना मतलब दिक्कत नहीं होता, आने में जो दिक्कत होता है उसमें बहुत दिक्कत होता है आने में। मोबाइल वोबाइल में चार्ज है जरा, तो लेके चल मार्केट जाके चार्ज करवा के लेके आते हैं। मेरा इन्वर्टर तो खत्म, वो खान भाई का किसके, हाँ जायदुल के पास। तो देखो ए जरल, अरे मार्केट जाने का क्या, जरल एक बंदे को बुला रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि मार्केट जाने का है तो चल भाई। अरे मार्केट जाने का है क्या, चल चाय वाय पी के आते। चार्जर लेने के लिए वो जा रहे हैं। तो इधर लोग यार देखो रोड के अंदर बोर्ड चला रहे, मतलब हालत इतना पतली है यार क्या बताऊं मतलब मैं तुम लोगों को। आज सारे रात में मतलब 4 इंच से ज्यादा पानी मतलब बढ़ा है सारे रात के अंदर। चलो बोट पे बैठ के चलते। चप्पल खुल गया मेरा। चलो इस नाव के साथ मिलके जाते हैं वरना। भाई कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब आज नाव चला रहा हूँ, ऐसे देखा लोगों को चलाते वक्त कैसे चलाते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो इसके अंदर कोई मोटर वोटर फिट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर यही सब है, इसको ऐसे खींचो और मतलब ये आगे चल जाता है मतलब। Thank you.
गाइस अभी सामने वो हमारा टाउन है, तो टाउन पे भी इस तरफ पानी है लेकिन उस तरफ उतना पानी नहीं है, तो हमें उस तरफ जाना है खान भाई के शोरूम पे। तो यार देखो ये जो है ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज काफी हाइट का था और देखो कितना स्पीड मतलब बोट चले, स्पीड बोट तो नहीं इसको सेलो बोलते। तो यहाँ पर ये इस तरफ तो पूरा खाई है, ये ओरिजिनली मतलब ये एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, बिल बोलते हैं ना, बिल बोलते हैं। तय पर पानी होना उतना वो वाली बात नहीं है, लेकिन ब्रिज देखो एक ब्रिज डूब गया तो समझो कि कितना पानी हुआ है, ब्रिज कितना हाइट पे रहता है, वो ब्रिज भी डूब गया। और यहाँ पर ये रेड कलर का वो लगा दिया, मतलब ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है, सावधानी बरतो। अभी तक ये ब्रिज ना टूटने का कारण नहीं है कि पानी का जो बहाव है नदी के अंदर ये उल्टा मार रहा है, सीधा नहीं मार रहा है, अगर सीधा मारता तो अब ये भी ब्रिज टूट जाता, क्योंकि जो बहाव है इस तरफ से आ रहा है, लेकिन असल में बहाव इस तरफ से जाता है, हर वक्त लेफ्ट टू राइट जाता है, लेकिन अभी राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ये ब्रिज कभी भी टूट सकता है ऐसा मतलब अनाउंस कर दिया है, गड्ढा है देखना ब्रिज, मतलब एक साइड में थोड़ा हिल भी गया है ब्रिज के ऊपर पानी, देखा। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन नहीं टूटेगा, इसलिए नहीं टूटेगा क्योंकि उतना मतलब अभी इधर करंट नहीं है ना, करंट होता तो टूट जाता, लेकिन करंट अभी तक आया नहीं ब्रिज के ऊपर। ओह भाई टेंशन ही टेंशन यार, इतना पैसा खर्चा करके घर बार बना लिया, ऐसे पानी आते रहे तो क्या करे। ये जिधर टेम्पो स्टेशन था मार्केट का, इधर बोट स्टेशन हो गया। अरे ये बच्चा डरता नहीं है कह रहे। ये देखो ये बोट स्टेशन हो गया है, लेकिन इधर पहले यार बोट तो दूर के बाद मार्केट के अंदर, इधर मार्केट बैठता था भाई, तो मार्केट के अंदर बोट स्टेशन हो गया है। वीडियो अच्छी लग रही थी यार, लाइक वाइक मारो, कमेंट वमेंट मारो यार, इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे। ये अरे डर लगता है, नाव लगा ना देख। देखो भाई लोग सामने मार्केट के अंदर काफी भीड़ है, 300 मीटर होगा ना घर से, देखो 300 मीटर इस पानी के अंदर चलना मामूली बात तो है नहीं, ठीक है, बहुत मेहनत की बात है कि 300 मीटर पानी के अंदर चलना। मेरे लिए तो 100 मीटर है। तेरा कितना? 100। अरे 100 मतलब तो 100 मीटर हो गया ना, 300 से कम ही हो गया, अरे संभाल के इससे। तेरा 500 मीटर होगा तेरा, अगर कोई बंदा दिन में एक बार आता है ना तो उसका हालत पतली हो जाएगा, देखो कितना बड़ा बोट है ये, उतना भी बड़ा नहीं है मतलब इस लेवल के हिसाब से, मतलब इधर नया बोट जो ये बड़ा बोट आया है, बोट के नीचे से जा रहा है यार ये देखो। देखो ये टाउन एरिया है, वो एलपीजी का डिलीवर्ड दे रहा है उधर, हमें उसके पास नहीं जाना है, हमें सीधा मार्केट जाना है। ये हमारा भतीजे लोग और भाई यूट्यूबर, क्या हाल है भाई यूट्यूबर भाई, क्या हाल है क्या हाल है? बहुत शानदार, पानी का मजा ले रहा हूँ। लो तुम लोगों के घर में पानी नहीं गया ना, मजा लो, मैं थोड़ा मार्केट जाता हूँ, रुक मैं थोड़ा मार्केट जाता हूँ, मोबाइल वोबाइल का चार्ज वार्ज कराना है भाई। बड़ा वाला है हमारे पास, ये तो काफी पतले है, तो सिलेंडर का डिलीवर कर रहे हैं, पूरा मार्केट लग गया है, तो आप इधर ही जाओगे ना। तो यार हम अपना मोबाइल वोबाइल चार्ज पे लगा दिया है, ये मेरा मोबाइल, पावर बैंक, ये सब है, और कुछ ये मार्केट से तेल खरीदा, डेटोल, फ्लास्क और ये साबुन, मतलब
तो यार यही बस आज की वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लोगों के पास शेयर करो यार। देखो कितना आसाम का सिर्फ आप लोग ब्यूटी लेके पागल हो जाते हो लेकिन कभी ये सब के ऊपर ध्यान नहीं देते। और कोई भी मतलब ट्विटर पे कोई भी फ्लर्ट आसाम ट्रेंडिंग नहीं कर रहे हैशटैग यार, ट्रेंडिंग कराओ यार। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।